जय हिंद। मेरा नाम अमन चुग है एंड वेलकम बैक है टू द एजुकेशनल सीरीज ऑन अकाउंट्स, जो कि आपने देखा होगा कि हमने ये जो सीरीज ऑन अकाउंट्स के ऊपर हमने फंडामेंटली एसेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस अक्रूवल कॉन्सेप्ट और लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट से घूमते घुमाते हम जर्नल एंट्रीज पे आए। जर्नल एंट्री हमने लॉजिकली समझा और फिर जर्नल एंट्री से हम लेजर पे पहुंचे, जिसमें हमने लास्ट एपिसोड में हमने लेजर को लॉजिकली समझने की कोशिश करी कि बनता कैसे है। लास्ट एपिसोड में हमने सिंपल जर्नल एंट्री से लेजर कैसे बनता है वो सीखा था। इस एपिसोड में हम समझेंगे कि अगर किसी जर्नल एंट्री में एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हुए हों तो लेजर कैसे बनेगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्री से लेजर कैसे बनाया जा सकता है। एंड ऐसे में इस एपिसोड का रेफरल पॉइंट आप एपिसोड नंबर 7 में जो 6 जर्नल एंट्रीज हमने करी थी उस जर्नल एंट्रीज को आप रेफर करेंगे। एंड उन जर्नल एंट्रीज को मैंने यहां पे लिखा हुआ भी है एंड उसी को रेफर करते हुए हम लेजर को एक बार ओरली अंडरस्टैंड करेंगे कि लेजर में कैसे पोस्ट हो। तो देखते हैं, पहली एंट्रीज में देख सकते हैं लैंड बैंक अमन कैपिटल, सेकंड एंट्री में परचेजेस मोहन राम, ऐसे करके कई नाम है। तो पहले तो हमें यह पहचानना है कि कितने अकाउंट बनेंगे, कितने लेजर। तो काउंट करते हैं, पहला फर्स्ट लैंड, दूसरा बैंक, थर्ड अमन कैपिटल, फोर्थ परचेजेस, फिफ्थ मोहन, सिक्स राम, सेवंथ कैश। बैंक ऑलरेडी आ चुका है, 7 अभी तक हुए हैं। सेल्स 8th अकाउंट, 9 मोहिनी, मोहिनी और मोहन अलग है तो 9th मोहिनी, 10th राजा, 11th अभी देखो सेल्स सेम है, रिपीट हो रहा है तो यानी कि ऑलरेडी हमने काउंट किया हुआ है, तो यानी कि अभी 10 हुए हैं। 11th रेंट, 12th सैलरीज अकाउंट, बैंक वाला ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, फिर बैंक वाला ऑलरेडी कवर हो चुका है। 13th अकाउंट इंटरेस्ट ऑन बैंक एंड 14th अकाउंट कमीशन रिसीव, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से 14 लेजर्स बनेंगे, यानी कि 14 अकाउंट्स बनेंगे। यहां पे मैं सैंपल के तौर पे एक मेन अकाउंट, जो कि हम देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट का नाम बार बार जिक्र हो रहा है, पहले हम बैंक अकाउंट बनाना सीखते हैं कि बैंक अकाउंट कैसा दिखेगा। बैंक अकाउंट एसेट है और मैंने कहा था जब भी हम लेजर बनाएंगे सबसे पहले लिखेंगे कि बैंक अकाउंट एसेट है, यानी जो भी हम अकाउंट बनाएंगे पहले हम देखेंगे एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, क्योंकि इससे हमें यह पहचानना अल्टीमेटली कि एसेट्स एंड एक्सपेंस में हमेशा डेबिट साइड भारी होगी क्रेडिट साइड से या बराबर होगी, ये आपको मद्देनजर हमेशा रखना है। एंड ऐसे में बैंक अकाउंट जो हम बना रहे हैं, बैंक अकाउंट एसेट है। अब बैंक अकाउंट जो एसेट है, अब हम ढूंढेंगे हर जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट को, हमने डिस्कस किया था स्टेप्स को। अब यहां पे बैंक अकाउंट है, कौन सी टीम में है, और मैंने कहा था ये 2 वाली टीम है तो ये वाली टीम कौन सी हुई, बाय वाली, यानी कि लिखा नहीं है मगर अज्यूम करेंगे कि जर्नल एंट्री में जो भी अकाउंट डेबिट हुए हैं उनके प्रीफिक्स के पीछे बाय लग जाएगा। तो यहां पे बैंक जो है बाय वाली टीम में है और हमारी डिस्कशन हुई थी जिस चीज का हम अकाउंट बना रहे हो उसका नाम अकाउंट में नहीं आएगा, यानी कि बैंक अकाउंट बना रहे हैं, बैंक अकाउंट का नाम बैंक के लेजर में नहीं आएगा। ये जो बैंक है ये कौन सी टीम में है, बाय की टीम में है, और हमारी डिस्कशन हुई थी कि हम 2 वाली यानी कि ऑपोजिट टीम वाले को खींचेंगे और ऑपोजिट टीम में कौन है, 2 अमन्स कैपिटल, यानी कि बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, 2 अमन्स कैपिटल। फिर अमाउंट कितना लिखेंगे, हमारी डिस्कशन हुई थी जिस चीज का हम अकाउंट बना रहे होते हैं उसके सामने जो अमाउंट लिखी होती है हम वो अमाउंट लिखेंगे, और अमाउंट लिखेंगे 2 अमन्स कैपिटल के सामने 3 लाख। आप सोच रहे होंगे 2 अमन्स कैपिटल के सामने 13 लाख रुपीस है, मगर मैंने कहा था ना जिस चीज का हम अकाउंट बना रहे होते हैं उसके सामने कितनी अमाउंट है, और लॉजिकली सोचते हैं बैंक में जो पैसा आया, जो अमन लेकर आया, जो प्रोमोटर लेकर आया, ओनर लेकर आया, वो लेकर कितना आया, 3 लाख रुपए, 13 लाख रुपए नहीं लेकर आया बैंक में, क्योंकि जो अमन जो पैसा लेकर आया वो 3 लाख रुपीज लेकर आया और साथ में लैंड लेकर आया। टोटल अमन्स कैपिटल 13 लाख रुपीज है मगर बैंक में उसने सिर्फ 3 लाख रुपीज ही जमा करे हैं, और वही लॉजिक यहां पे काम भी आ रहा है। हम जब बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो उसके सामने वाली अमाउंट हम लिख रहे हैं मगर एंट्री क्या लिख रहे हैं बैंक अकाउंट में, डेबिट साइड पे लिख रहे हैं 2 अमन्स कैपिटल मगर अमाउंट लिख रहे हैं जो बैंक के सामने पड़ा हुआ है 3 लाख रुपीज। ऐसे में नेक्स्ट एंट्री में देखते क्या बैंक है, यहां नहीं है, यहां है, कौन सी टीम में, दोबारा बाय वाली टीम में, ऑपोजिट टीम को खींचेंगे,
कैश भी बाय वाली टीम में है, बाय भी बैंक भी बाय वाली टीम में है, तो हम दूसरे को खींचेंगे, दूसरा कौन, सेल्स अकाउंट। तो कैसे लिखेंगे, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट जिसका हम अकाउंट बना रहे होते हैं उसके सामने जो अमाउंट लिखी होती है वही अमाउंट वहां लिखेंगे, यानी वहां लिखेंगे 1 लाख रुपीज। फिर यहां पे बैंक है नहीं, यहां पे बैंक नहीं, यहां पे है, है। यहां पे वो टू की टीम में है, यानी कि टू की टीम में, और हमें ऑपोजिट वाले को खींचना है। ऑपोजिट में दो लोग हैं, एक बाय रेंट अकाउंट है और एक बाय सैलरीज अकाउंट है। इसका मतलब ये बैंक अकाउंट के लेजर में, बैंक अकाउंट का जो हम अकाउंट बना रहे हैं उसके क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे बाय सैलरीज अकाउंट, और अमाउंट, अमाउंट अब आप सोच रहे होंगे बैंक के सामने 50,000 लिखा हुआ है, हाँ लिखना 50,000 ही है, मगर दो लोगों को खींचना है तो ऐसा है ना, बाय रेंट अकाउंट भी खींचोगे और बाय सैलरीज अकाउंट भी खींचोगे, और जो दोनों का अलग अलग अगर अमाउंट लिखोगे भी तब भी टोटल अमाउंट 50,000 ही बनेगा। तो बेटर है कि आप बाय रेंट अकाउंट 20,000 लिखिए, बाय सैलरीज अकाउंट 30,000 लिखिए, टोटल दोनों का जो जोड़ है वो बैंक अकाउंट के सामने वाले जोड़ के बराबर है, तो इसलिए गलत नहीं है। यहां पे आपको ये समझ आ रहा है का थोड़ा ट्विस्ट हुआ है, यानी कि हम अमाउंट वही लिख रहे हैं जिस चीज का हम अकाउंट बना रहे हैं, मगर सिंस वहां पे खींचने वाले आइटम दो हैं तो दोनों का हमने बाइफरकेशन कर दिया है, ताकि कोई देखता तो उसको पता हो कि अच्छा बैंक के थ्रू हमने रेंट पे किया है 20,000 का और हमने सैलरीज पे करी है 30,000 रुपीज की, यानी टोटल 50,000 गया है। यहां पे बैंक है, है। कौन सी टीम में है, बाय वाली टीम में। किसको खींचेंगे, टू वाले लोगों को। टू वाले कितने लोग हैं, दो, यानी कि बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन बैंक, और साथ में ये भी लिखेंगे टू कमीशन रिसीव। अमाउंट कितना, टोटल तो 20,000 है, और अगर मैं अलग अलग भी लिख दूं तब भी 20,000 ही बनेगा। अब यहां पे अब बैंक अकाउंट की और एंट्रीज नहीं है, अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, यानी अब हमें डेबिट साइड का पूरा टोटल करना है। तो डेबिट साइड का जब आप पूरा टोटल करेंगे तो आपको कितना दिखेगा, तो आपको एक तो आपको 3 लाख रुपीज दिखेगा, फिर दूसरा आपको कितना दिखेगा, यहां पे 1 लाख रुपीज और दिखेगा, यानी 4 लाख हो गया। फिर आपका डेबिट साइड पे 20,000 और दिखेगा, यानी कि डेबिट साइड पे टोटल 4,20,000 दिखेगा, और क्रेडिट साइड पे आपको 50,000 दिखेगा। इसका मतलब ये पहला रूल सेटिस्फाई होता है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड से भारी है क्योंकि बैंक अकाउंट एसेट है, यानी लेजर मोटा मोटा सही बना है। और अब हमें बैलेंस करना है ना, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन का पत्थर रखना है बैलेंस करने के लिए। कितने का पत्थर होएगा, 4,20,000 माइनस 50,000, यानी कि 3,70,000 का हम पत्थर रखेंगे। पत्थर मतलब बैलेंस करने के तराजू नहीं होता वैसा पत्थर, तो यानी बाय बैलेंस कैरी डाउन 3,70,000 और बैंक अकाउंट बन गया, यानी कि हमें बैंक अकाउंट बनाना आ गया। अब ऐसे में कोई एक आधा छोटा अकाउंट बनाते हैं, छोटा अकाउंट जैसे कि अब यहां पे लैंड भी बना सकते हो आप, लेट अस से मोहन अकाउंट बनाते हैं। मोहन अकाउंट, मोहन कौन है, क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड इसकी भारी होगी डेबिट साइड से या बराबर होगी। तो देखते हैं, मोहन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो मोहन अकाउंट लिखा, उसके नीचे हमने लिखा क्रेडिटर। क्यों क्रेडिटर, क्यों, क्योंकि इसने, इससे हमने परचेजेस खरीदा है उधार पे। तो जब हम मोहन अकाउंट बनाएंगे, मोहन टू वाली टीम में है, हम किसको खींचेंगे, बाय वाली टीम को। कैसे लिखेंगे, यानी कि मोहन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट, मगर अमाउंट मोहन का अकाउंट बना रहे हैं तो मोहन के सामने जो अमाउंट लिखी हुई है वो लिखेंगे, यानी कि बाय परचेजेस अकाउंट, अमाउंट लिखेंगे 1,00,000 रुपए। कहीं और मोहन पाया नहीं गया, यानी कहीं और मोहन है ही नहीं, यानी कि मोहन का अकाउंट बन गया। और आप देख सकते हैं मोहन हमारा क्रेडिटर था, लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी की क्रेडिट साइड भारी है डेबिट साइड से। अब हमें बैलेंस करना पड़ेगा, तो हमें टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,00,000 रुपए रखेंगे और वो दोनों बैलेंस हो गया, यानी ऐसे हमने मोहन अकाउंट बना लिया। ऐसी समझ लीजिए, अब यहां पे मोहिनी का अकाउंट बनाते हैं। मोहिनी कौन है, डेटर्स। कैसे पता लगा, देखो मोहिनी को हमने माल बेचा, सेल्स करी, जिसको हम उधार पे सेल्स करते हैं वो डेटर्स बन जाता है, डेटर्स हमारा एसेट होता है। एसेट में ध्यान रहे, डेबिट साइड भारी होगी यानी कि क्रेडिट साइड से। तो आप देख सकते हैं मोहिनी कौन सी टीम में है, बाय टीम में। बाय टीम में किसको खींचूंगा, टू वाले को। टू वाला कौन है,
टू सेल्स अकाउंट, यानी कि मोहिनी के डेबिट साइड में लेजर में आप लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना, अब आपको समझ आ गया होगा, मोहिनी के सामने वाला अमाउंट यानी कि 1,00,000 रुपए, बाकी तो कहीं मोहिनी पाई नहीं जा रही। इसका मतलब ये अकाउंट को बैलेंस करना है, यानी कि बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,00,000 रुपीज, और ऐसे में हमारा जो टोटल लेजर है वो बन गया मोहिनी का भी। ऐसे हम सारे अकाउंट्स बनाएंगे, तो ऐसे बनाते बनाते अल्टीमेटली सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, वहां पे सारे अकाउंट्स बने हुए हैं, मगर लॉजिकली बनाना है, क्योंकि लॉजिकली समझेंगे तभी आपको अकाउंट से मजा आए। एंड ये एजुकेशनल सीरीज ऑफ अकाउंट सिर्फ आप देख रहे हैं तो मजा नहीं है ना पूरा, तो आपके जो कई साथी हैं, कई दोस्त हैं, उनको भी आप रिकमेंड कीजिए, एंड अल्टीमेटली कनेक्ट होइए आप मेरे से। गेट कनेक्टेड विद मी ओवर यूट्यूब सीए अमन चुग नाम का चैनल, साथ में आप इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट हो सकते हैं, आप फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में लेजर से आगे की कहानी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।